मामला गाजियाबाद के बुलंदशहर का है, जहां से लापता पति और पत्नी का शव गाजियाबाद के मुरादनगर क्षेत्र में मिला है, जिसके बाद से हत्या की आशंका जताई जा रही है। बता दें कि पति पत्नी दोनों अपने गांव से गाजियाबाद आने के लिए निकले थे। पुलिस के मुताबिक दोनों के गले पर निशान है, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि मौत कैसे हुई, इसे लेकर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। यहाँ आए हुए तीन चार महीना हो गए, निकली यहाँ चार महीने के आसपास हो गए। तो इस वजह से हम तो घाट की रोटी सफाई का काम करते हैं, दोनों काम करता हूँ। परिवार में कितने लोग हैं इनके? जी परिवार में तो चार लोग थे, एक लड़का एक लड़की दोनों मियाँ बीवी, इतने लोग मैं जानता हूँ बस। लगभग कितने समय से यहाँ पर रह रहे हैं? मैं ये जो रह रहे थे तीन चार महीना हो गए। मामला क्या था, होली पे आए थे, हाँ मेरे भाई हैं, ताऊ जी के लड़के हैं, तो आए थे होली, सबसे गांव में खेले, कोई ऐसी बात नहीं, आकर अपना यहाँ लेट गए। होने के बाद ताई ने बताया, तीन बजे उठे थे, कहने लगे मैं ड्यूटी जाऊँगा। ताई ने मना भी करा था, आज अब मैं जाऊँ तो कहले क्लोजिंग का महीना मुझे जाना पड़ेगा। नौकरी काम करते थे आर्मी से, चंदन के इसमें इंस्पेक्टर बने थे दिल्ली में, अच्छी जॉब थी। तो यहाँ से 3:30 बजे यहाँ से निकल गए थे दिल्ली के लिए। तो वहाँ जैसे गए थे तो फोटो स्टेट में जब देखा था टोल तो जाते हुए बाइक पर दिखाई दिए, फिर उसके बाद में पता नहीं लगा, फ़ोन दोनों के बंद हो गए। देखिए ये थाना मुरादनगर क्षेत्र में गंगनहर के पास में इस ये जंगल वाला थोड़ा एरिया है, यहाँ पर दो डेड बॉडी मिली है। एक दोनों का आइडेंटिफिकेशन हो गया है, एक का नाम रणपाल है और दूसरी उनकी पत्नी है, जिसमें दोनों डेड बॉडी को पुलिस कब्जा पुलिस में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। अभी तक की जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें ये पता चला है कि बुलंदशहर में थाना बीबी नगर में इन दोनों की गुमशुदगी दर्ज हुई थी 8 तारीख